नमस्कार, अन्नपूर्णा आपकी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक टेस्टी व स्वादिष्ट सब्जी। खाने में टेस्ट के साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने यहाँ पे लिए 2 मीडियम प्याज, 2 टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है, यहाँ पे मैंने हींग व जीरा डाला, 1 बड़ी चम्मच मैंने ऑयल लिया था, और जो हमने ग्रेवी पीसी थी उसको मैंने छोंक दिया है। गैस की फ्लेम मैंने सिम कर दी है। यहाँ पे मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिए 4 बड़े चम्मच बेसन, जिसमें मैंने डाल दी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन। 1 बड़ी चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ देसी घी, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका एक बैटर तैयार करना है। बैटर में ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है ना ही पतला। गैस पे चढ़ा दिया मैंने पैन। यहाँ पे मैं छोटी छोटी चिल्ली बना रही हूँ। इस पे मैंने 1/2 चम्मच ऑयल डाला है। आप ऑयल, बटर, घी जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल सिम रखनी है। यहाँ पे हमें चिल्ली बनानी है। जो चिल्ली की सब्जी है, आप एक बार इस तरह से बना के खाओगे तो आप पनीर की सब्जी बना के खाना भूल जाओगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। इधर हमारा मसाला भी सिक रहा है, इसको हम 5 से 7 मिनट और अच्छे से सेक लेते हैं। जब तक मसाला जो है ये हमारा तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसके अंदर मसाला नहीं डालेंगे, नहीं तो प्याज की जो कच्चेपन की खुशबू है वो पूरी सब्जी का टेस्ट खराब कर देगी। तो हम इसको अच्छे से पहले सेक लेते हैं। अच्छे से सिकने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। सारा मसाला जो हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास भर के इसमें पानी डाल दिया है। आप चिल्ली इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने वो थोड़ी बना के आपको दिखाई थी। ये पूरे पैन के ऊपर 10 से 20 चिल्ली एक साथ में ही बन जाती है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आप सब्जी के साथ साथ में इसको चाय के साथ में भी इस तरह से चिल्ली बना के खा सकते हो। ये एक अच्छा नाश्ता भी हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाला है और पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से पकाना है। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, हमारा मसाला अच्छे से सिक चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है चिल्ली और 1 से 2 मिनट मैं इसको अच्छे से पका लेती हूँ। और इसमें मैंने डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहो तो यहाँ पे गरम मसाला डाल सकते हो, पर मैं वो नहीं डाल रही हूँ। और लीजिए, हमारी चिल्ली की जो सब्जी वो बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको